हे व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज़ कबीर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एडिटिंग फाइल्स। तो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे एनिमेशन को रिटारगेट करोगे रेप्लिकेंट सॉफ्टवेयर के लिए, यानी आप उस एनिमेशन को रेप्लिकेंट के कैरेक्टर पर अप्लाई कर सकते हो। इसको करने के लिए रेप्लिकेंट की रिटारगेटिंग टूल है जो कि अभी के समय फ़िलहाल सिर्फ माया में चलती है। एक तो ये तरीका है करने का, लेकिन जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ वो बेसिकली विदाउट रेप्लिकेंट रीटारगेटिंग प्लगइन और माया के है, जिसमें आप कोई भी एनिमेशन को रेप्लिकेंट के लिए रीटारगेट कर सकते हो। इसको करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, पहली कैस्काडियर सॉफ्टवेयर की और दूसरी रेप्लिकेंट रीटारगेटिंग प्लगइन की जिप फाइल की। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये सब कैसे करना है, वो भी स्टेप बाई स्टेप। तो गाइज़, यहाँ पर मेरा रेप्लिकेंट सॉफ्टवेयर ओपन है और जिसमें मैंने करेक्टर को लोड करके रखा है। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर कैस्काडियर सॉफ्टवेयर भी ओपन है। देन उसके अलावा यहाँ पर रेप्लिकेंट टूल की जिप फाइल है। सबसे पहले हमें रेप्लिकेंट टूल की जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। आपको इसके अंदर बेसिकली, जब मैं इस पर सर्च कर रहा था तो मुझे पता चला इसके अंदर एक FBX फाइल है। पता क्या चला, हालाँकि देखने से ही आपको पता चल जाएगा इसके अंदर एक FBX फाइल है। तो इस फाइल का ही बेसिकली हम लोगों को काम है, और इसके अलावा इस प्लगइन का हम लोगों को कोई भी काम नहीं। तो इस फाइल को हम लोग निकाल लेंगे, देन इसके बाद इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। देन उसके बाद गाइस, आपको जाना है कास्काडियर सॉफ्टवेयर के अंदर, आपको इंस्टॉल कर लेना है। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं इस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, और इसमें आप एनिमेशन बना भी सकते हो, खुद का एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। देन उसके बाद उसकी FBX फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हो। कोई भी FBX फाइल है बेसिकली, उसको इम्पोर्ट भी कर सकते हो, यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो खुद का जो एनिमेशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो करना है, जो हमने यहाँ पर FBX की फाइल है उसको ड्रैग कर देना है। जैसे ही आप ड्रैग करते हो तो यहाँ पे आएगा रिग मोड हेल्पर, सिंपली आपको यस कर देना है। देन उसके बाद इसने डिटेक्ट कर लिया है ह्यूमनॉइड है तो यस कर देना है। देन उसके बाद ये अपने आप सब कुछ कर लेगा, ह्यूमनॉइड करेक्टर को अपने आप रिग कर लेता है। सिंपली आपको ओके कर देना है, देन आपको एड रिग एलिमेंट्स पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद गाइज, आपको जनरेट रिग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट रिग पर क्लिक करते हो तो आपका ये करेक्टर बेसिकली रिगिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो आप देखोगे जो रेप्लिकेंट की जो ये FBX फाइल है उसके अंदर हमें कोई भी मैश देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे हमें सिर्फ यहाँ पे एमेचर जो भी बोलते हैं इसमें, इस चीज़ को देखने को मिलती है, लेकिन इसके अलावा हमें कुछ और भी देखने को नहीं मिलता है। तो जो आप ये प्रोसेस करोगे, इस फाइल को आप एज अ सैम्पल के तौर पे सेव कर लो, जिसका हम लोग यूज़ बार बार करेंगे, ठीक है। तो मैं करूँगा सेव एज रेप्लिकेंट सैम्पल रीयूज़ के नाम से, ठीक है। हमारा ये प्रोसेस हो गया। देन उसके बाद हम यहाँ से एक नया सीन क्रिएट करेंगे, यानी कि एक नया टैब ओपन करेंगे। तो यहाँ पे न्यू सीन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो एक नया टैब ओपन हो जाता है। नया टैब के बाद हम यहाँ होम बटन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका खुद का एनिमेशन कैसे रिटारगेट करोगे जो आप कैस्काडियर पर बनाते हो, तो यहाँ पे हम जाएंगे प्रोजेक्ट में। देन उसके बाद लर्न पे जाना है, सैम्पल में जाना है, तो UE5 मेनू पर क्लिक कर देना है। इसमें आप बेसिकली एनिमल का भी एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। तो आप देखो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। मैं जल्दी से एक एनिमेशन क्रिएट कर लेता हूँ फटाफट। इसमें मैं आपको बेसिकली कुछ बताने नहीं वाला हूँ कि एनिमेशन कैसे बनाते हैं, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। आपको अगर सीखना है कैस्काडियर के अंदर कैसे एनिमेशन करना है तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो कि मैंने एनिमेशन को क्रिएट कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इस एनिमेशन को रिटारगेट करना है, ठीक है, अपने रेप्लिकेंट के लिए। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, जो भी मैंने फ्रेम क्रिएट किए हैं सिंपली उतने फ्रेम को मुझे सेलेक्ट करना है, यानी कि आप जितने भी फ्रेम पर काम करते हो आपको सारे फ्रेम को ऐसे सेलेक्ट करना है। आपको अपने माउस के लेफ्ट बटन से सेलेक्ट करना है, ड्रैग करके सेलेक्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद एडिट पर जाना है, रिटारगेटिंग कॉपी। देन उसके बाद आपको अपने रेप्लिकेंट वाला जो मैंने हम लोग ने क्रिएट किया था उस पर जाना है। देन आपको ध्यान रखना है कि आपने कितने फ्रेम कॉपी किए थे, 41, तो सेम आपको 41 तक यहाँ पर भी काउंट करना है। देन उसके बाद आपको एडिट में जाना है, रिटारगेटिंग पेस्ट। रिटारगेटिंग पेस्ट करने के बाद ये थोड़ा सा समय लेगा। देन उसके बाद सारे की फ्रेम इस पर आ जाएंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर सारे की फ्रेम आ गए।
देन उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है, एफवीएक्स में जाना है, एनिमेशन पे सिलेक्ट करना है क्योंकि इसमें मैच तो है नहीं, तो सिंपली मैं एनिमेशन लूँगा। एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, टेस्ट में जाऊँगा और मैं यहाँ पे करूँगा हाई न्यू वन, जो भी आपको नाम देना है वो दे सकते हो, मैं सेव कर दूँगा। देन मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको रेप्लिकेंट में कैसे इम्पोर्ट करना है। तो रेप्लिकेंट में मैं जाऊँगा, तो सिंपली रेप्लिकेंट में आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कस्टम का। कस्टम में जो भी आप इम्पोर्ट करोगे यहाँ पर शो करेंगे। तो इसको इम्पोर्ट कैसे करना है, मिसलेनियस टैब पे जाना है, देन उसके बाद आपको एफवीएक्स एनिमेशन इम्पोर्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जो आपने क्रिएट किया था उसको सिलेक्ट कर लेना है, ओपन कर देना है। देन आपको यहाँ पर रेप्लिकेंट को चूज़ करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको सेम ऐसे रखना है जैसे मैंने सेटिंग रखी, आपको सेम टू सेम वैसे ही रखनी है। देन इम्पोर्ट पर क्लिक कर देना है, तो ये इम्पोर्ट हो जाएगा। तो मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ, तो आप देखोगे जो मैंने वहाँ पे क्रिएट किया था वो एग्जैक्टली यहाँ पे ही वर्क कर रहा है। तो मैं सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे डाल देता हूँ, तो आप देख रहे हो कि अच्छे से वर्क कर रहा है और ये लूप में भी चलेगा। अपने जितने भी एनिमेशन हो उसको बड़ी आसानी से रिटारगेट कर सकते हैं खुद के बनाए हुए। अगर आप चाहते हो कि आपको मिक्सामो से करना है बेसिकली, तो मिक्सामो से कैसे करोगे, तो मैंने यहाँ पे मिक्सामो ऑन करके रखा है, जल्दी से मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने मिक्सामो में लॉगिन कर लिया। देन उसके बाद आपको कैरेक्टर के अंदर जो बॉट दिख रहे हैं, वाई बॉट, एक्स बॉट, दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। तो मैं सिंपली एक्स बॉट लूँगा। देन उसके बाद मैं एनिमेशन में जाऊँगा। एनिमेशन में आपको जो भी एनिमेशन चाहिए मिक्सामो से सिंपली उसको सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा विथ स्किन एफवीएक्स 30, यहाँ पे रखूँगा नन। देन उसके बाद मैं डाउनलोड कर लूँगा इसे, तो आप देखोगे ये एनिमेशन डाउनलोड हो गया। देन उसके बाद मैं कैस्काडियर में जाऊँगा, एक यहाँ पे न्यू सीन क्रिएट करूँगा। देन उसके बाद मैं इंपोर्ट करके भी कर सकता हूँ या सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ, तो मैं इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। जैसे मैं करूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप तो ये पूछेगा रिग मोड हेल्पर, यस कर देना है आपको सिंपली। देन उसके बाद फॉर ह्यूमनॉइड कैरेक्टर, यस कर देना है, ओके कर देना है। ये अपने आप देख सारी सेट कर देगा, आपको सिर्फ सिंपली एड रिग एलिमेंट करना है और कंटिन्यू कर देना है, जनरेट रिग कर देना है। जनरेट रिग होने के बाद आप देखोगे ये मेरा आ गया बेसिकली यहाँ पे। सिंपली मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था वही चीज़ करनी है, सारी कीज़ को कॉपी करना है, एडिट कीज़ को सारी सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको करना है रीटारगेटिंग कॉपी। देन उसके बाद आपको आपका रेप्लिकेंट वाली जो फाइल आपने रीयूज़ के लिए बनाई थी उसे फिर से ओपन कर लेना है। तो मैं इस फाइल को फिर से ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है आपने जितनी भी कीज़ यहाँ सेलेक्ट करी है आपको सेम वही कीज़ यहाँ पर भी सेलेक्ट करनी है। उससे ज़्यादा हो जाएंगी चल जाएगा, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर थी हमारे पास 67, तो सेम चीज़ हम यहाँ से करेंगे 67 या 70, ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं रखना है। देन उसके बाद आपको एडिट में जाना है और यहाँ पर आपको रिटारगेटिंग पेस्ट कर देना है। आप देखोगे ये एनिमेशन आ गया मिक्सामो का। सिंपली आपको फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है, एफवीएक्स पे जाना है। हम सिर्फ एनिमेशन लेंगे, मेश की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मेश है भी नहीं वैसे भी। यहाँ पे मैं अपना दे रहा हूँ इसका मिक्सामो फाइट, जो भी आपको देना है। अब मैं जाऊँगा रेप्लिकेंट के अंदर, सिंपली मिसलेनियस टैब में इम्पोर्ट करूँगा मिक्सामो फाइट, रेप्लिकेंट, एक्सपोर्टेड, सब कुछ जैसा दिख रहा है वैसे ही करना, इम्पोर्ट कर देना है। इम्पोर्ट हो जाएगा, मैं यहाँ से इस वाले एनिमेशन को डिलीट कर देता हूँ। तो आप देखोगे मिक्सामो वाला जो था वो आ गया। तो मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। तो लगने के बाद अभी आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। हेड को आप सिंपली हेड लुक एट से अपने हिसाब से उधर उधर मूव करा सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस अब जो तीसरी वेबसाइट है हमारे पास जो यहाँ पर है वो है mocap.market। तो मैंने इसमें ऑलरेडी लॉग इन करके रखा है और यहाँ से मैं इसमें से एक एनिमेशन को डाउनलोड कर लेता हूँ। एफवीएक्स फाइल, सिंपली एफ बी एक्स पे क्लिक करके मैं इसकी फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये मेरी फाइल डाउनलोड हो गई। तो यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे एक न्यू सीन क्रिएट करूँगा। देन उसके बाद इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। यस करना, इंटर रिग मोड, यस आपको यस कर देना है, हर बार यस करना। आप देखोगे इसमें आपको जो ये करेक्टर है आपको इसको मैनुअली करना पड़ेगा। अब इसको आपको मैनुअली यहाँ पे रिक करना पड़ेगा एक एक जॉइंट को। यहाँ पे इसका जो जॉइंट है बेसिकली आपको इससे ये दिख रहा है, ये है लेफ्ट फुट, तो आप टो है जैसे दिख रहा है, तो सिंपली टो पे ड्रैग कर दिया और लेफ्ट फुट है तो इसको आपने इस पे ड्रैग कर दिया। तो आपको इस तरीके से पूरा मैनुअली इसे हर एक जॉइंट को रिक करना पड़ेगा
देन उसके बाद ऐड रिक पे करना पड़ेगा, सेम वही जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, सब कुछ वही करना पड़ेगा। तो गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा आप मिक्सामो से कैसे करेक्टर का जो एनिमेशन है वो करोगे। अगर आप मोकैप डॉट मार्केट को यूज़ करते हो तो उसके ज़रिए कैसे करोगे, उसमें आपको काफ़ी लंबा मेथड है, मैनुअली सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मिक्सामो के ज़रिए आप जो वाइब बॉट है उसको सिलेक्ट करके आराम से ईजिली कर सकते हो, जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया। और सबसे अच्छा जो चीज़ मुझे लगी कि आप इसके अंदर बेसिकली अपना खुद का एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस अगर यहाँ पर आप सपोर्ट में जाओगे या फिलहाल गेट में जाओगे, प्लान्स में जाओगे, तो प्लान्स में आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। फ्री वाले में आपको FBX का ऑप्शन नहीं मिलता है, इंडी वाले में मिलता है, और बाकी आप अपने हिसाब से वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैंने आपको कोई भी इसके कैसे से यूज़ करना है, एनिमेशन क्रिएट करना है वो नहीं बताया, सिर्फ मैंने आपको प्रोसेस बताया कि आप एनिमेशन को कैसे रीटारगेट कर सकते हो। अगर आपको एनिमेशन करना सीखना है तो इनके खुद के यूट्यूब चैनल पर आप जाके इनके बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं उसको देख सकते हो, और सिंपली आसानी से अपना एनिमेशन क्रिएट करके आप रेप्लिकेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एनिमेशन क्रिएट करा था इसके अंदर, वो मैं आपको दिखाता हूँ फिलहाल यहाँ पे। तो गाइस आप देखो, आप एज अ बैकग्राउंड वीडियो को लगा के भी अपना एनिमेशन बना सकते हो। तो आप देख रहे हो ये किस तरीके से अच्छे से आप वन बाई वन या जैसे भी आपको जैसे भी करना है तो आप कर सकते हो एनिमेशन क्रिएट, काफ़ी ईजी है इसके अंदर। तो मैंने इसका सिर्फ हाफ पार्ट लिया था, सिर्फ यहाँ तक का, तो मैंने इसको यहाँ पे डाला भी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्ट वन से जो शॉर्ट निकाल रहा है, तो मैंने सिर्फ इसका हाफ लिया था, आप मैंने पूरा नहीं लिया था सिर्फ टेस्ट करने के लिए। तो आप बाकी शॉर्ट को तो अपने हिसाब से रेप्लिकेंट के अंदर मॉडिफाई कर सकते हो उसकी पोजीशन को। तो गाइस यही था कि आप कैस्काडियर के ज़रिए रेप्लिकेंट में रेप्लिकेंट के करेक्टर के लिए एनिमेशन को रिटारगेट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एप्लीकेंट वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।